सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन राजघाट रोड तिलीवाट सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्रेमिका ने अपनी शादी प्रेमी से नहीं होने के गम में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवती एक दिन पहले तक दुल्हन बनने के सपने देख रही थी। उसने अपने प्रेमी के नाम की हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। आज दोनों प्रेमी प्रेमिका ने भागकर शादी करने का दिन तय किया था, लेकिन प्रेमी ने एक दो दिन बाद भागकर शादी करने की बात कहकर टाल दी। इसी के गम में प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवती के माता पिता घर से बाहर गए हुए थे। युवती अपनी दो बहनों के साथ घर पर अकेली थी। जहां शिवपुरी के संजय नगर कॉलोनी की रहने वाली रेणु ठाकुर की मौत के बाद पिता रामस्वरूप राठौर ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार पड़ोस के रहने वाले कपिल खटीक को ठहराया है। पिता रामस्वरूप ने बताया कि उसकी बेटी रेणु और पड़ोस के रहने वाले कपिल खटीक का पिछले 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्षेत्र में दोनों के इश्क के बारे में सबको पता था। रेणु के पिता ने बताया कि उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी। पिता ने बताया कि रेणु ने साफ कह दिया था कि वह शादी करेगी तो सिर्फ कपिल खटीक से। बेटी की जिद के आगे आखिरकार पिता को टूटना पड़ा और उसने कपिल के घर जाकर रेणु की शादी की बात की, लेकिन कपिल के परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए। रामस्वरूप ने बताया कि कपिल के परिजनों ने समाज की बेड़ियों में अपने आप को बंधा हुआ बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। प्रेमी कपिल के परिजन जब नहीं माने तो प्रेमी और प्रेमिका ने भागकर शादी करने की योजना बना ली। पिता रामस्वरूप के मुताबिक रेणु और कपिल के बीच शुक्रवार को घर से भागकर शादी करने का निर्णय हुआ था। यह बात उसे किसी अपने ने ही बताई थी। रामस्वरूप के मुताबिक इसी के चलते बेटी रेणु ने गुरुवार की रात अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी और योजना के तहत शुक्रवार को जब रेणु के माता पिता मजदूरी पर निकल गए तो वह कपिल का आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कपिल उसे लेने नहीं आया। इसी गम में उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।